यार हम पे क्या बीत रही हो तुम लोग? हमारे गांव घर के लोग हैं वो, जो भी राजवीर जी के साथ वहां गए थे वो हमारे गांव के, हमारे अपने ही है, और तुम उन्हीं में आग लगाए दे रहे हो, हमारी दुश्मनी बनवा रहे हो। इतने लोग नहीं है हम कि तुम आज हमारी दुश्मनी बनवा दो, हम ये दुश्मनी निभाते फिरे। हमें तुम्हारे उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो क्या बीत रही है। एक तुम्हारा बेटा नहीं गया, उनके दो बेटे थे दोनों चले गए, तुम्हारा कोई पति नहीं गया, मेरा पति गया है। उन दो सोशल मीडिया पे सपना को इन दिनों बहुत सी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग सपना को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल रहे हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में आके, सिर्फ इतनी सी बात पे कि सपना ने एक वीडियो बताया जिसमें उनके साथ अतीत में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मारपीट, घरेलू हिंसा वगैरह, जस्ट उसके बाद उनको घर छोड़ना पड़ा। देन उन्होंने एक कार खरीदा। जी हाँ दोस्तों, सपना ने एक कार लिया, वो भी सेकेंड हैंड। लोग बाग सबसे पहले ये बोल रहे हैं सपना को कि तुम्हें क्या घूमना फिरना था इसलिए तुमने ससुराल छोड़ दिया, क्योंकि बाय प्लानिंग सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने वीडियो में कहा था कि किसी ने तुमको ये कहा है कि घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, घर के बाहर निकलो, व्लॉग्स वगैरह बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। उसके बाद ही तुमने ये कदम क्यों उठाया कि तुमने घर छोड़ दिया, देन इतनी दूर आ गई घर से, जबकि तुम्हारा मायका तुम्हारे पास था, आसपास भी तुम कमरा ले सकती थी, पर तुम इतनी दूर क्यों सोच क्या सोच के आई हो, वो भी वहाँ जहाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शिवी रहती है। उसके बाद सपना की मंथली इनकम तो आप जानते ही हैं कितना क्या है। उसके बाद भी सपना ने सेकंड हैंड कार्ड खरीदा, तो लोग ये कह रहे हैं कि सपना चौधरी आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो अपने ऑडियंस के साथ में। आप अच्छा खासा महीने में आपका इनकम है दो दो चैनल होने के बाद भी, उसके बाद भी आप कैमरे के सामने रोती रहती हो, गाती रहती हो कि मेरा भविष्य ये है, मुझे कुछ नहीं मिला है, जबकि आपकी खुद की इनकम इतनी ज़्यादा है कि आप चाहो तो एक महीने के अंदर एक फ्लैट खरीद सकती हो। उसके बाद भी आप सेकेंड हैंड कार में घूम रही हो और लोगों को आप ये बता रही हो कि आप कितनी ज़्यादा गरीब हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जो सपना चौधरी के साथ उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब कुछ मनगढ़ंत बातें हैं? क्या सपना जानबूझ के लोगों के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रही है?